और दुनिया हमको भक्त समझे इसलिए जैसे ही बाजा बजने लगे उठ करके नाचने लगे। आजकल कथाओं में यही होता, हृदय में कोई भाव नहीं, कथा समझने की क्षमता नहीं, भाव और भक्ति के मूल मंत्र उसे मालूम नहीं है, लेकिन कथा में बैठेगा और जैसे ही कीर्तन होने लग जाए उठ करके नाचने का अभिनय शुरू कर दिया। क्यों? बोले कैमरा में मेरी फोटो आवे, लोग देख लें। बोले ये भक्ति नहीं है। मैं कथाओं में कहता हूं, आपको बताऊं लखनऊ की एक घटना। लखनऊ में एक सज्जन कथा में आते थे, वो किसी सरकारी विभाग में कर्मचारी थे, कथा में आवे तो पीला वस्त्र पहनकर कंधे पर रामनामा ओढ़कर और मोर पंख का एक झब्बा हाथ में लेकर और दो चार माला पहनकर पूरा सज धज कर पूरी तैयारी से, और जब जैसे ही कीर्तन शुरू हो कोई चौपाई कोई भजन, बस उठ करके उनका नाचना शुरू, और ज्यों ही चौपाई कीर्तन समाप्त हो फिर बैठ करके वो मोबाइल चलावे कथा में। मैं वहीं व्यासपीठ से देखता रहता। अंत में एक दिन मुझे कहना पड़ा कि भाई ऐसे नृत्य से हमारी कथा बिगड़ जाएगी, हम ऐसे श्रोता नहीं चाहते जो हमारी कथा बिगाड़े, हम तो ऐसा श्रोता चाहते हैं कि जो पिए और हम उसको पिलाते रहे, वो शांत दत्त चित्त बैठा रहे और मैं बोलता रहूं और वो एक एक वस्तु को ग्रहण करता रहे, उसके हृदय में भक्ति का संचार हो, उसे कुछ मिले। नाटक तो बहुत बड़ा किया जा सकता है, नाटक तो इससे भी बड़ा किया जा सकता है, मजमा लगाया जा सकता है, लेकिन यथार्थ में तत्व बोध हो तब इसकी सार्थकता है, तब इसका उपयोग है। बाकी भीड़ बटोरना तो भीड़ तो बड़े बड़े नेता भी बटोर लेते हैं, भीड़ तो एक नर्तकी भी बटोर लेती है, भीड़ बटोरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, भीड़ तंत्र कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, भीड़ बटोरना तो एक नर्तकी भी कर लेती, दूसरे के मन को दूसरे के धन को हरण करने में वेश्या हमसे ज्यादा चतुर हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परमन परधन हरण को वेश्या हूं प्रवीण, दूसरे के मन को दूसरे के धन को हरण करने में तो वेश्या हमसे ज्यादा प्रवीण हो सकती है। उसका नृत्य होने लग जाए तो शायद 50,000 की भीड़ एकत्रित हो जाएगी, पांडाल भी छोटा पड़ सकता है, लेकिन तुलसी सोई चतुरता राम भगति रसलीन। चतुराई तो जीवन की वो है कि हमारे जीवन में भगवान की भक्ति आवे, भक्ति का आनंद मिले। इस कथा को हम पिए।